अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सैयद उज़ैफ़ा अहमद एंड आई एम मैकेनिकल इंजीनियर एंड वर्किंग एट इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड एज डिप्टी मैनेजर रिलायबिलिटी। टुडे वी हैव कम्प्लीटेड अवर टू डेज ट्रेनिंग ऑन बेयरिंग डैमेज एनालिसिस ऑर्गेनाइज बाय उक्तारा एंड प्रोवाइडेड बाय मिस्टर खुर्रम शहजाद। इस ट्रेनिंग से हमने बहुत कुछ सीखा है बेयरिंग के हवाले से, बेयरिंग के डैमेजेस के हवाले से, फिट्स एंड टॉलरेंस के हवाले से हमने बहुत चीज़ सीखी है, माउंटिंग डिसमाउंटिंग और टाइप्स ऑफ डैमेजेस ख़ास तौर पे के। और सबसे ज़्यादा जो हमने जो मेन चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सीखी, क्योंकि मेरा मैं कंडीशन मॉनिटरिंग से हूँ और मैं जो है ना इंस्पेक्शन और वाइब्रेशन एनालिसिस में होता हूँ, तो जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मैंने सीखी वो ये कि विजुअल इंस्पेक्शन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर रिलायबिलिटी। तो जो रूट कॉज एनालिसिस में खाली वाइब्रेशन एनालिसिस इनफ नहीं होगी, विजुअल इंस्पेक्शन से भी जो है ना हम लोग को बहुत ज़्यादा चीज़ें पता लगती हैं। तो ये मेरा टेक अवे था एंड थैंक यू उक्तारा एंड मिस्टर खुर्रम शहजाद फॉर दिस वंडरफुल। मेरा नाम विकास है, मैं ACPL सीमेंट फैक्ट्री अटक सीमेंट जिस फैल्कन ब्रांड है वहाँ से आया हूँ। तो यहाँ पे हमारा सेशन था बैरिंग डैमेज एनालिसिस पे, ट्रेनिंग थी हमारी जिसमें 2 दिन की हमारी ट्रेनिंग थी जिसमें हम बैरिंग के बेसिक्स के बारे में सीखा कि बैरिंग की आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है। तो उसमें हमारे पास जैसे एक हमें नंबर मिला कि 22216, उसमें हमारे पास 5 के 5 फिगर्स के आइडेंटिफिकेशंस आ गए। उसके बाद हम एज अ मेंटेनेंस इंजीनियर जैसे हम वर्कशॉप में माउंटिंग डिसमाउंटिंग करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे अक्सर जो वर्कर्स स्टाफ हैं, टेक्निकल स्टाफ है, वो छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं माउंटिंग और डिसमाउंटिंग में। तो माउंटिंग में कुछ चीज़ें जो एज अ इंजीनियर हमें भी देखनी चाहिए, उसमें हमारे फिट टॉलरेंस वगैरह हैं, उसमें लूज ना हो, टाइट ज़्यादा टाइट ना हो, तो हमें जो एक ISO स्टैंडर्ड के मुताबिक एक लिमिट्स दी हुई हैं, हमने उस लिमिट्स के अंदर रहते हुए अगर एक शाफ्ट डिज़ाइन करनी है, एक बैरिंग उस पर हमने माउंट करना है, तो हम उसी हिसाब से करें। तो ये ट्रेनिंग हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुई है, यहाँ पे हमने बहुत सीखा है और हम फ्यूचर में भी उम्मीद करते हैं कि हम ऐसी ट्रेनिंग्स कंपनी की तरफ से, यहाँ हमें पर्सनल आना पड़ा तो हम उसमें सीखने के लिए ज़रूर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल समद अय्यूबी है, मैं FABL पावर कंपनी से मेरा ताल्लुक है, मैं वहाँ मशीनरी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ पिछले 5 साल से। तो यहाँ पे मेरे होटल में हम बेयरिंग डैमेज एनालिसिस के ऊपर हमने ट्रेनिंग अटेंड की है, 2 दिन की वर्कशॉप थी जो मिस्टर खुर्रम शहजाद ने फैसिलिटेट किया हमें इसमें, ऑर्गेनाइज बाई उक्तारा प्राइवेट लिमिटेड। तो इस ट्रेनिंग से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, काफ़ी जैसे बेयरिंग डैमेज एनालिसिस की जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो हमने काफ़ी इसमें से नई टर्म सीखी, डेजिग्नेशन सिस्टम के हवाले से सीखा, और इसको अब हम प्रैक्टिकल जो हमारा एक्सपोजर मशीन्स के साथ और प्रैक्टिकल लाइफ इंडस्ट्रीज में जो हम काम कर रहे होते हैं वहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह एप्लीकेशन उसकी कर सकते हैं। क्या बेयरिंग डैमेज एनालिसिस के ऊपर अब जो रिपोर्ट राइटिंग्स के हवाले से भी हमने काफ़ी चीज़ें इसमें लर्न की हैं जो हम प्रैक्टिस में ला सकते हैं। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम हसन मकबूल फ्रॉम बाइको पेट्रोलियम पाकिस्तान लिमिटेड एंड आई एम वर्किंग देयर सिंस अ फ्यू ईयर्स इन द कैपेसिटी ऑफ मैनेजर मेंटेनेंस। आई एम बेसिकली लीडिंग द रोटरी फंक्शन एंड लीडिंग द रोटरी सेक्शन ऑफ द रिफाइनरी and this course, a 2-day course, we are almost through it, has been arranged by Uktara Pakistan and of bearing damage analysis, which has been conducted by Mr. Khurram Shahzad. And we started with the discussing the bearing function in the rotary equipments, bearing being one of the key components of the machinery in all industries, and we started with the bearing designation and specifications, leading on to the fits and tolerances that should be kept in day-to-day routine activities in assembling of machineries, and leading on to the main topic that was bearing damage analysis. And one field of it is the vibration monitoring and the condition monitoring. Rather, in this session we focused more on the visual inspections and the studies that are to be taken after bearing failures happen. So it was quite a fruitful course in terms of analyzing bearing failures, and hopefully will help us reduce downtime of critical equipment in our respective industry. मेरा नाम मोहम्मद उज़ैर है और मैं इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड में गुज़िश्ता 10 सालों से मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के साथ वाबस्त हूँ। तो मुझे एक ये अपॉर्चुनिटी मिली कंपनी की तरफ से कि हम उक्तारा ने जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ की है बेयरिंग फेलियर एनालिसिस के ऊपर,
जिसके फैसिलिटेटर मिस्टर खुर्रम शहजाद थे, वो मैं अटेंड कर सकूँ अपनी कंपनी के बिहाफ पे। इसमें इस ट्रेनिंग की सबसे अच्छी बात कि हमें प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ बेयरिंग फेलियर के कॉजेज़ ये सब समझाए गए। ऐसा नहीं किया गया कि हमें थ्योरेटिकल सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन दी गई, लेकिन उसके साथ साथ हमें प्रैक्टिकली चीज़ों को समझाया गया, पास्ट एक्सपीरियंस से। और सबसे अच्छी बात ये कि हमारे ट्रेनर का पास्ट इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस था, जिसकी वजह से उन्होंने हमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स को समझाया और हमें ये बात रियलाइज़ हुई कि बेयरिंग फेल होने के बाद उसको फेंक नहीं देना चाहिए, उसको एनालाइज़ करना चाहिए कि बेयरिंग फेलियर का रीज़न क्या है। तो ये एक बहुत बड़ा टेक अवे मेरे ख्याल से तो इस ट्रेनिंग का, कि अब मैं कंपनी में जाके जो भी बेयरिंग फेल होगा उसको मैं ऐसे डायरेक्टली स्क्रैप बिन में थ्रो नहीं करूँगा, एटलीस्ट मैं उसको एनालाइज़ करूँगा कि ये फेल क्यों हुआ था। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल, दिस इज़ मोहम्मद रऊफ। आई एम वर्किंग एज अ सीनियर ऑफिसर इंटेग्रिटी इन बाइको पेट्रोलियम। द टू डेज ट्रेनिंग सेशन ऑन बेयरिंग डैमेज मैकेनिज्म we have attended which is organized by Octara and delivered by Khurram Shahzad. In this training course we have started from very initial, from the right selection of the bearings and then storage handling and then mounting and dismounting, and after that the causes which damage the bearing and what measures we have taken to prevent these failures. So we have a good session here, and I have made a very good sketch in my mind what prevents I will take when I will go back to my industry. And thanks for the trainer and thanks to the Octara for conducting such a technical knowledge training. My name is Muhammad Osama bin Ijaz. I've been working as a senior executive of an inspection and reliability department in FFBL Power Company Limited since 4 years. I found the opportunity to attend the 2 days workshop regarding bearing damage analysis facilitated by Mr. Khurram Shahzad and organized by Octara Private Limited. I found this workshop very, very much informative, and I've learned about the basic bearing designations and regarding the inspection techniques of bearings. So, being a reliability engineer, I found this training very much informative and very much useful in my day-to-day job activities. I'm very much happy to attend this workshop. Sure. Assalamu alaikum. Mera naam Hassan Qazi hai, aur main recently graduate hua tha as a mechanical engineer. Aur alhamdulillah, ab main assistant manager Atlas Honda mein job kar raha hu. तो इस ट्रेनिंग का फ़ायदा मुझे ये हुआ कि पहले तो इस तरीके से होता था कि जब बेयरिंग आता था तो उसको हम ऐसे ही बस देखे बगैर ही फिट कर देते थे, लेकिन अब ट्रेनिंग लेने से फ़ायदा ये हुआ कि जब बेयरिंग अब आएगा तो हम एटलीस्ट उसमें जो डेजिग्नेशन नंबर वगैरह हमें बताए गए तो उसे हम पहले देखेंगे कि क्या ये जिस बोर में फ़िट होने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये ठीक है। और इसी तरीके से जब बेयरिंग को निकाला जाता था, ट्रेनिंग से पहले ये होता था कि वो डायरेक्ट डस्टबिन में जाता था, लेकिन अब ट्रेनिंग के बाद ये हुआ है कि अब हम उसका फेलियर मोड देखेंगे कि वो किस वजह से फेलियर हुआ है। तो मतलब लगाने से पहले और लगाने के बाद दोनों चीज़ों पे अब हमारे पास ट्रेनिंग के बाद चेंज आया। और इसके अलावा दूसरी काफ़ी सारी चीज़ें हमने इस ट्रेनिंग में सीखी है कि कितने टाइप्स के फेलियर वगैरह हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस तरीके की फ्यूचर में और ट्रेनिंग लेना मैं चाहूँगा। तो थैंक्स टू फर्स्ट ऑफ ऑल एटलस होंडा फॉर नॉमिनेटिंग मी एंड फॉर ऑक्टारा फॉर दिस वंडरफुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजर्स वाज यू नो गिव्स अ चांस टू गिव वीडियो रिकॉर्डेड फीडबैक फॉर दिस ट्रेनिंग। सेशन वॉज गुड और फ्रॉम फर्स्ट डे टू द एंड हमने एक बेसिक नॉलेज बेयरिंग के हवाले से सीखी और इन दी एंड अप टू द यू नो कम्प्लीशन हम एक फेलियर एनालिसिस पे काफ़ी सारी डिटेल्स और जिस तरह से हमारे ट्रेनर विच इज़ यू नो उनका काफ़ी एक्सपीरियंस रहा और उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमने डिफरेंट जो हमारी रिपोर्ट्स थी जो उनके एक्सपीरियंस में थी तो उसके बेसिस पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो एनालिसिस रही हमारी और दैट वॉज गुड। और मैं ये जो है वो चाहता हूँ कि इन नेक्स्ट सेशंस अगर कोई भी ऑक्टरा ऑर्गेनाइज करता है तो विच विल यू नो दिस सॉर्ट ऑफ सेशन जो है वो हमारे एटलीस्ट 4 to 5 days के होने चाहिए, जो मच डिटेल पार्ट होने चाहिए, नॉट फॉर लिमिटेड फॉर 2 days। सो विच हमारे सब के लिए बेहतर है ताकि हम उसको एक और हर एक पार्ट को डिटेल में जाके सीखें।
थैंक यू सर. जावेद अकबर, मैं लास्ट 15 ईयर से एटलस होंडा में एज ए असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल जॉब कर रहा हूँ. मुझे एचआर की तरफ से 2 दिन की ट्रेनिंग के लिए बैरिंग डैमेज एनालिसिस के लिए उन्होंने सेलेक्ट किया, जो कि मैरियट होटल में थी और उसमें जो कि ऑर्गेनाइज की थी अक्टारा और फैसिलिटेटर में खुर्रम शहजाद साहब थे, जिन्होंने हमें बैरिंग एनालिसिस में बेसिक हिस्ट्री से लेके उसकी एडवांसमेंट तक जो है ना हमें उसने स्टडी करवाई है. उसमें उन्होंने बैरिंग की काइंड्स के बारे में बताया, बैरिंग की अब नॉर्मल और नॉर्मल अब नॉर्मेलिटी, उसमें माउंटिंग डिसमाउंटिंग, और फिर उन्होंने अपना प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस था हमारे साथ शेयर किया, क्योंकि वो ऑलरेडी इंडस्ट्री से काफ़ी उनका एक्सप्लोयर था, जिसकी वजह से उन्होंने हमारे साथ जो इंडस्ट्री में प्रॉब्लम थी बैरिंग के डैमेज एनालिसिस के रिलेटेड, वो उन्होंने हमारे साथ डिस्कस किया. फिर क्योंकि वो बैरिंग से काफ़ी ज़्यादा इनका रिलेटेड एक्सपीरियंस है, फिर उन्होंने हमारे साथ मुख्तलिफ इंडस्ट्री की, जिस तरह सीमेंट इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, उनकी रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर की, जो कि हमारे लिए एक बड़ा बेनिफिशियल था. तो ये ट्रेनिंग से हमने काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखा है. हम ये इस ट्रेनिंग से अपने जो नीचे एम्प्लॉइज़ हैं उनको ये ट्रेनिंग के मतलब गाइड करेंगे. फिर खुर्रम शहजाद साहब ने हमें इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा डाटा जो है शेयर किया है. उस डेटे की हम अपना कोई एनालिसिस कर सकते हैं. कुछ आपने ऐप्स बताई हैं, वो ऐप्स के बेसिस पे हम अपना एनालिसिस कर सकते हैं. तो ये ओवरऑल जो है ना एक बहुत अच्छा सेशन था जो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो. दिस इज़ मी अहमद अली. आई एम वर्किंग एज अ सीनियर असिस्टेंट मैनेजर इन अटक सीमेंट पाकिस्तान लिमिटेड. Today we have concluded training on bearing damage analysis conducted by Sir Khurram Shahzad through the platform of Octra Pakistan Limited. In this session, 2-day session, we learned about how the bearing designation system works and fits and tolerance, and a detailed overview session of how the bearing damage analysis conducted. So through this channel, we try to replicate our information to the lower management or to the layman, and how the best practice of mounting and dismounting we could conduct in our plant. So thumbs up to the trainer and the Octra for conducting such informative session.